इस वीडियो में बात करेंगे आज की अखबारी खबरों के बारे में। पहली खबर आपके स्क्रीन पर, अभी देखिए 6000 से अधिक कोर्ट केस का जवाब देने में हाँफ रहा है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोर्ट केस, देखिए एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने केस कर दिया है, किसी का पर्सनल मामला है, उस केस को आप राजनीति से प्रेरित नहीं कर सकते हैं। जो लोगों ने खुद किया है, पर्सनल कैपेसिटी में किया है, खुद के खिलाफ कुछ मामला हुआ उसको लेकर किया है। कई सारे जो संगठन वाले केस हैं उसको कह सकते हैं कि उन लोगों ने पॉलिटिक्स किया या चंदा किया, तो संगठन वाले केस अलग हैं, जो पर्सनल कैपेसिटी में केस किया हुआ है वो अलग है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा केस जमा हो गया है और केसेस को निकालना शिक्षा विभाग में शायद इतनी वर्क फोर्स नहीं है जो केसेस को आसानी से निकाल सके। इतने ज़्यादा केस हैं, मुझे तो लगता है शिक्षा विभाग को एक वकीलों की टीम हायर करनी पड़ेगी। अब ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी शिक्षक बहाली अभी अगर जैसे ट्रैक पर चलती रही तो दिसंबर में सबकी बहाली हो जाएगी, लेकिन अगर किसी कोर्ट केस ने खेल कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, फिर तो ये जून 2024 के बाद ही कुछ जगह बनता है। क्योंकि जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक तो इलेक्शन ही इलेक्शन है, इलेक्शन ही इलेक्शन चलेगा 6 महीना, और कहीं अगर इलेक्शन में जॉब देने वाली पार्टी का जो अभी जॉब के लिए पहल करने आगे बढ़ी है, कहीं उसका कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो लोग भी एक उदासीनता वाले मोड में चले जाएंगे। तो कहते हैं इलेक्शन का असर होगा चीज़ों पर, इलेक्शन के आसपास पार्टीज थोड़ी एक्टिव भी हो जाती हैं, तो खैर देखना है क्या होता है। लेकिन ये कोर्ट केस बस यही अकेला हर्डल नज़र आता है बहाली की राह में। आगे चलते हैं, डीएलएड बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र, अभ्यर्थियों की पात्रता में संशोधन हो रहा है, हुआ है, कई बार हुआ है, फिर से हुआ है। तो ये जो संशोधन का सिलसिला है, मुझे लगता है जब तक आवेदन डालने का लास्ट डेट नहीं आया तब तक ये चलता रहेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आवेदन भरने का लास्ट डेट अभी एक्सटेंड होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जल्दी से जल्दी भरिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वेबसाइट जो है, इनका जो पोर्टल है वो थोड़ा सा अलग ही कुछ इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है इस बार। तो अभी के लिए बस यही सारी चीज़ें, आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँगा।